तो दोस्तों, हमारे देश में ट्रैवल करना बहुत ही इजी और फास्ट होता जा रहा है, क्योंकि नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर फील्ड में, जिसमें कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, अब साथ ही में रेल नेटवर्क को भी और फास्ट बनाया जा रहा है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के चलते। इंडिया का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो कि मुंबई टू अहमदाबाद है, जिसका टोटल डिस्टेंस 508 किलोमीटर का है, वो 2026-27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा दोस्तों। उसी के चलते भारत में 5 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एंड तक जुड़े रहें इस वीडियो के साथ पूरी जानकारी के लिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज के लिए। नंबर 5, मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, ये कॉरिडोर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना स्टेट में से होकर गुजरेगा। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत सालों पर कागजों पर था, लेकिन 2021 में इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए DPR तैयार करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जा चुका है, जिसको कि जून 2021 में शुरू किया गया था। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका सर्वे और DPR कंप्लीट किया जा रहा है, और इसी साल में इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये कॉरिडोर मुंबई के थाने से होकर नवी मुंबई, लोनावला, पुणे, सोलापुर होते हुए हैदराबाद में जाकर खत्म होगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 650 किलोमीटर की होने वाली है। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, लेकिन इसके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसके अंतर्गत 10 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,41,000 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है, और ये प्रोजेक्ट 2041 तक कम्प्लीट हो जाएगा। नंबर 4, हैदराबाद बेंगलुरु बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये कॉरिडोर कर्नाटक, तेलंगाना स्टेट से होकर गुजरेगा दोस्तों। इसकी टोटल लेंथ 618 किलोमीटर की होने वाली है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, मुंबई से हैदराबाद कॉरिडोर बन रहा है, और ये कॉरिडोर हैदराबाद से बेंगलुरु है। इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद मुंबई से बेंगलुरु डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी दोस्तों बुलेट ट्रेन के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का DPR अभी तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका ट्रेवल टाइम हमें पता चल गया है कि ट्रेन से पहले नॉर्मली 12 से 13 घंटे का समय लगता था हैदराबाद से बेंगलुरु तक का, और इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बन जाने से ये ट्रेवल टाइम रिड्यूस होकर 2 से 3 घंटे का रह जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स इसके DPR तैयार होने के बाद आपसे शेयर करेंगे, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। नंबर 3, नागपुर वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भी 3 स्टेट से होकर गुजरेगा दोस्तों, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टेट्स हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को भी 2022 में मंजूरी मिल गई है। जैसे कि आपको पता है, मुंबई से नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पहले से ही प्रस्तावित है, और ये कॉरिडोर नागपुर से वाराणसी का है, तो वाराणसी से मुंबई डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी इस कॉरिडोर के बन जाने से, और इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ लगभग 855 किलोमीटर की है, और नागपुर से वाराणसी जाने में लगभग पहले 17 से 18 घंटे का समय लगता था, और इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बन जाने से ये ट्रेवल टाइम रिड्यूस होकर 5 से 6 घंटे का रह जाएगा दोस्तों। नंबर 2, पटना गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये कॉरिडोर 3 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें बिहार, सिक्किम और असम होगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें, ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को भी सभी प्रोजेक्ट्स के साथ ही प्रपोज किया गया था। इसका भी DPR कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 850 किलोमीटर होने वाली है। इस रूट पर भी 20 से 25 घंटे लगते थे ट्रेन से ट्रेवल करने में, जो कि अब रिड्यूस होकर 4 से 5 घंटे रह जाएंगे। इस रूट पर मैक्सिमम टनल्स का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट में कितना पहाड़ी इलाका है, यहां पर टनल्स ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। इस रूट पर भी ट्रैक्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर की होगी, और इसके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। नंबर 1, अमृतसर पठानकोट जम्मू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को पंजाब और जम्मू कश्मीर स्टेट में डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि दिल्ली से अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पहले ही प्रपोज किया जा चुका है, और उसका काम भी शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर के बन जाने से दिल्ली से जम्मू की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, और इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ लगभग 190 किलोमीटर होने वाली है दोस्तों। इस रूट पर भी 5 से 6 घंटे लगते हैं दोस्तों वाया ट्रेन, और कॉरिडोर के बन जाने से सिर्फ 1 घंटे से कम में अमृतसर से जम्मू पहुंच जाएंगे। दिल्ली से जम्मू सिर्फ 2 से 3 घंटे में आप ट्रैवल कर पाएंगे इस रूट पर। तो कैसे लगे आपको वीडियो दोस्तों,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप किस रूट पर बुलेट ट्रेन को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद।